गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द सेम असाइनमेंट एंड ऑन द टॉप देयर इज द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स. हियर यू कैन सी प्राइजेस ऑफ ईच वेजिटेबल्स इज रिटन अगेंस्ट देयर नेम. आइटम्स हियर पोटैटोस 1 kg rupees 10, अनियन 1 kg rupees 12 एंड टोमेटो 1 kg rupees 20, कैरेट 1 kg rupees 25, लेडी फिंगर 1 kg rupees 30 एंड बीट रूट 1 kg rupees 40 एंड आदित्य मदर वॉज टोल्ड टू बाय सम सॉरी आदित्य वॉज टोल्ड टू बाय सम वेजिटेबल्स बाय हिज मदर. आदित्य की मदर को उसने कुछ वेजिटेबल खरीदने के लिए कहा है, ठीक है, कि वो मार्केट से खरीद के लाए. हिज मदर गेव अ रिक्वायरमेंट क्वांटिटी लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एज शॉन बिलो. और उसकी मदर ने उसको एक लिस्ट बना के दी है उसको कौन कौन सी वेजिटेबल कितनी कितनी खरीदनी है. जैसे पोटैटो है 2.5 kg, अनियन 1.25 kg, टमेटो 1.5 kg, कैरेट 1/5 kg, लेडी फिंगर 2:1/5 kg, बीट रूट 1/2 kg. We have to find the answer of these questions A, B, C, D, E. And let's start with question A. What is the cost of potatoes? And quantity of potato is जो आदित्य को खरीदनी है उसकी मदर ने उसको खरीदने का 2.5 kg. 2.5 kg ये क्या है, ये क्वांटिटी है. इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं. या तो आपको क्या, ये आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए. ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको कैलकुलेशन में लाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आपको पता चल जाएगा. तो पोटैटो जो 2.5 kg है वो कितने के होंगे, ठीक है. तो चलिए करते हैं. ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, वो डिस्कस करेंगे पहले. कैसे है, जैसे आपको लिखा है यहाँ पे 2.5 kg, इसको अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो बेस होता है या आप कह सकते हो डिनोमिनेटर, वो सेम रहता है. यानी कि 2 डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है वो 2 का 2 ही रहेगा, बाकी क्वेश्चन चेंज हो जाएगी. सबसे पहले यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे प्लस करना होता है. जैसे 2 2s are 4, 2 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ठीक है. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया. अब 4 आपका यहाँ पे आया है. अब 4 + 1 होगा, ये वाला 1 प्लस हो जाएगा, उसमें आएगा 5. यानी कि आपके पास इस फ्रैक्शन को, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आएगा 5/2. अब इसको कैलकुलेशन में लाएंगे कैसे, देख लीजिए. पोटैटोज जो उसको खरीदने हैं वो हैं 5/2 kg, यानी कि 5 का हाफ करना है, 2.5 होता है, ठीक है, जिसको हम 2.5 किलो भी बोलते हैं, 5 का हाफ. अब 1 kg पोटैटो का कॉस्ट आपको देखिए कहाँ दिया, ये 10 rupees दिया है. इसको 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. जब नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लाई होता है हम 10 को लिखते हैं, 10 इसका मतलब होता है 10 ऊपर लिखा है. 10 क्या है, न्यूमरेटर होता है और 1 डिनोमिनेटर होता है. क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो हम डिनोमिनेटर इसलिए 1 ले लेते हैं. तब आप क्या, अब आपको क्या करना है, आप ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को काट सकते हो, ठीक है. अगर आपको कोई 2 नंबर दिख रहे हैं, जैसे ऊपर आपके पास कौन कौन से नंबर है, 5 और 10 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, 2 है. क्या 5 के 2 टेबल में 2 आता, नहीं आता. 10 आता है 2 के टेबल में, यस. तो 2 से 10 को आप काट सकते हो, कट कर सकते हो. 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5 5s are 25, यानी कि आंसर आएगा हमारे पास 25, ठीक है. इसको मैंने आपको कहा था कि हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको. फिलहाल हमारा जो एक आंसर है वो है 25. इसको एक और तरीके से कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है.
अब यहाँ पे हमें 2.5 kg का प्राइस निकालना था, और हमें ये पता है 1 kg का प्राइस कितना है, 10 है। तो जिस हिसाब से 1 kg का प्राइस 10 है, तो 2 kg का प्राइस कितना होगा, 20। ठीक है, 2 kg का प्राइस कितना होगा, 20। पर हमें 2 kg का नहीं, 2K के साथ हाफ भी लगा है, हाफ का प्राइस भी निकालना है। और जैसे कि 1 kg का प्राइस 10 है, तो हाफ का प्राइस क्या होगा, 1 kg का हाफ हो जाएगा। हाफ के जी का प्राइस, अगर आपको कोई आदमी, ठीक है, आप मार्केट जाते हो, वेजिटेबल सेलर हैं, आपको कहता है 1 kg पोटैटो इज़ ₹10, यानी कि 1 kg जो पोटैटो आपको ₹10 के मिलेंगे, तो हाफ के जी पोटैटो आपको कितने के मिलेंगे, 5K। क्योंकि आप जब क्वांटिटी आप हाफ ले रहे हो, प्राइस भी हाफ हो जाएगा। आप 1 kg तो नहीं खरीद रहे, आप हाफ के जी ले रहे हो, तो प्राइस भी हाफ हो गया। यानी कि यहाँ हमारे पास हो गया 2.5 kg, और प्राइस भी हमारे पास हो गया दोनों का मिला के 20 + 5 = ₹25। ठीक है, इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके से आप देख रहे हो आंसर हमारा क्या आया है, ₹25। यानी क्वेश्चन ए का जो आंसर है वो है 25। अब बी है हमारे पास, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ अनियंस। अब अनियंस आपको कितने कहा गया लेने के लिए, 1¼ kg। अब दोबारा से मैंने आपको बताया था, वैसे ही करते हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया था, 1¼ kg। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, 4 × 1 = 4 और +1 = 5, यानी कि हमारे पास इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा 5/4 kg। अब 5/4 kg को जितना 1 kg का प्राइस है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। देखिए 5/4 kg यानी कि आपको अनियंस खरीदने हैं, ठीक है, 5/4 kg अनियंस खरीदने हैं, और 1 kg अनियन का प्राइस आपको 12 दिया है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा मैंने आपको बताया था, 12 अगर आप यहाँ लिखते हो तो इसका मतलब 12 आप ऊपर लिख रहे हो, 12/1 है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को क्रॉस कट कर सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं। यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, तो 5 × 3 = 15, हमारे पास आंसर का 15। ठीक है, तो यहाँ पे बी का आंसर है 15। इसको एक और मेथड से, जैसा मैंने आपको बताया था, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपको बताया, क्या पता है आपको, हमें अनियंस खरीदने हैं 1¼ kg, यानी कि 1 kg के साथ 1/4 kg, और 1 kg का प्राइस आपको पहले से कितना है दिया है, 12, पर आपको 1/4 kg और ख़रीदना है, ठीक है। तो 1/4 मीन्स क्या होता है, हाफ ऑफ हाफ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम हाफ करके देखते हैं, अगर 1 kg का प्राइस 12 है, तो 1/2 kg का प्राइस कितना होगा, 6 होगा। और 1/4 क्या होता है, हाफ का हाफ, अगर 1/2 kg का प्राइस 6 है, तो 1/4 kg का प्राइस 3 होगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो 1 kg खरीदना है, साथ में 1/4 kg खरीदना है, यानी कि 12 + 3 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 15। तो जैसा कि कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आया, वो भी बिना कैलकुलेशन किए भी आ गया, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, तो आंसर आएगा हमारा 15। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सी, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टमेटोज। टमेटोज कितने खरीदने हैं, 1¼ kg, ठीक है, 1¼ kg। यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, 2 × 2 = 2, 2 + 1 = 3, यानी कि 2 × 3/2 kg, ठीक है, 3½ सिंपली आप कह सकते हो। तो पहले कैलकुलेशन से कर सकते हो, 3/2 को 1 kg, टमाटो का प्राइस कितना है, 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम क्रॉस कट कर सकते हैं, कट करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 10 = 20। अब आपके पास दो चीज़ें बची हैं ऊपर, 3 × 10 = 30, यानी कि आंसर आएगा 30। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, क्या था हमारे पास, 3/2 को हमने 10 से किया था,
मल्टीप्लाई क्रॉस कट कर दिया, 2 1 2, सॉरी एक 20 था यहाँ पे, क्योंकि 1 kg टमाटो का प्राइस 20 था, 2 1 2, 2 10 20। अब 3 को 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, याद रखना अभी कि प्राइस हमारा, सॉरी आंसर हमारा रुपीज़ 30 है। टमाटोज हमने कितने खरीदने थे, 1.5 kg, 1 kg टमाटो का प्राइस 20, पर हमें सिर्फ 1 नहीं खरीदने, 1 kg हाँ साथ में 1/2 kg खरीदने, और 1/2 kg 1 kg का हाफ होता है, इसलिए प्राइस का भी हाफ हो गया। 1 kg आपने खरीदे 20 के, 1/2 kg 10 के, टोटल आपके पास आंसर आ गया 30, यानी कि इसका आंसर आएगा रुपीज़ 30। सी का आंसर हमारा आया रुपीज़ 30। ओके, अब हम डी पे चलते हैं। डी में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैरेट्स, और कैरेट कितने खरीदनी है अपने, 1/5 kg। सिंपली है 1/5 kg को 1 kg के प्राइस, जो 1 kg कैरेट का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप कट करोगे इसको, 5 1 5, 5 5 20। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 5 5 ही आएगा, आंसर आपका आएगा ओनली 5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर अ बिल एज पर लिस्ट। यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया चीज़ों के कि कौन सी चीज़ कितने कितने रुपए की आई है, तो सिंपली आपको बिल बनाना है। बिल में कौन कौन से कॉलम लिखने हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पे साथ साथ सीरियल नंबर, जिसमें आप 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब आपके पास ये देखो कौन कौन सी चीज़ें उसको ख़रीदनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 चीज़ें आपने, 6 आइटम यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे आइटम, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर आइटम्स, आइटम्स में इसके नाम लिखोगे पोटैटो अनियन कैरेट। ठीक है, ये सभी 6 चुनोगे, आपने नाम लिख लेने हैं, उसके बाद लिखना है रेट। ठीक है, पहले जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा ही लिखना है आपको, सीरियल नंबर लिखोगे सबसे पहले, फिर आइटम्स, फिर रेट, आप या प्राइस पर केजी भी लिख सकते हो, फिर आप लिखोगे क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब कितनी खरीदनी है, क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है, क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही होगी नीचे आपको। ठीक है, ठीक है, बिल बनाने के लिए आपके पास 5 कॉलम हो गए, सीरियल नंबर, आइटम्स, रेट, क्वांटिटी, प्राइस। अब यहाँ पे आपको पहले सीरियल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 लिखोगे, आइटम लिखोगे, ठीक है, फिर चीज़ों के नाम लिखोगे, पोटैटो अनियन टमाटो कैरेट लेडी फिंगर। अब रेट लिखना है, फिर उसके बाद आपने रेट में आप सबसे ऊपर वाली लिस्ट के पास जाओगे, वहाँ से रेट चेक करोगे कि प्राइस ऑफ पर केजी कितना है, यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको यहाँ नीचे मिल जाएगी। उसके बाद आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट आप कैसे निकले कैसे निकालोगे, आप क्वांटिटी को प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करके निकालोगे, उसके बाद नीचे लिख दोगे टोटल। टोटल में आप हर एक चीज़ जितनी आपने खरीदी है, जैसे पोटैटो आपने 1.5 kg खरीदे हैं, ठीक है, ऐसे अनियंस 1.25 kg खरीदे हैं, उनका प्राइस कितना बनेगा वो आप सीधा नीचे ऐड कर दोगे। ठीक है, टोटल निकल आएगा, वो आपका बिल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है, फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है, कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर बताएं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, बिल्कुल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।